जो आप गए थे भिज्जी कल की घटना का जांच में, ये जो भिज्जी की जो घटना थी गोदराज पदर की, जिसमें मामला सच ये निकल के आया जो जमीन स्तर पर जाकर जाने से, वो ऐसा था कि पुलिस के द्वारा पुलिस ने उनको मतलब सोड़ी देवा को भेजे पर्चा उठाने के लिए। सोड़ी देवा नहीं जाने को कहा तो उसको डांट के उनको भेजा गया और पर्चा उठाने के लिए उसको मजबूर किया गया, और वो जाके पर्चा उठा रहा था उसी समय बम विस्फोट हुआ। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरा इसमें सवाल यह है, इस विषय को लेके मतलब लखमा कवासी को भी फोन पे बात हुई थी और उन्होंने भी किसी तरह उनको संतुष्ट जवाब नहीं दिया। और दूसरा घटना ये भी देखने को मिला है, वहाँ के चार व्यक्तियों को किसी को एक व्यक्ति को डेढ़ महीना से और बाकी तीन लोगों को एक महीना से उनको भेजी थाना में रखा गया था, लेकिन ये किसके आधार पर रखा गया था ऐसा, इतना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 24 घंटे के अंदर उनको या फिर जेल भेजो या छोड़ने का, लेकिन इन्होंने डेढ़ महीना उनको रखा गया था। उनको छुड़वाने के लिए ट्रैक्टर भर के लोग आए थे, देवा भी उसी में आया हुआ था और देवा को वापस पर्चा उठाने के लिए भेजा गया। लेकिन मैं शॉर्टकट में बोलना चाहती हूँ, इस मामले को यहीं तक हम खत्म नहीं करेंगे और इस मामले को लेकर मैं खुद उनका जो गांव के लोगों के साथ मिलकर जो चार व्यक्ति को ऑलरेडी रखी थी पुलिस, और देवा के साथ जो बचा है पटेल, वो वहाँ का बिल्कुल रूबारू एक गवाह है, और उसको लेके हम मतलब उद्योग मंत्री जो हमारे लखमा कवासी जी है उसके पास जाके मुलाकात करके उनसे मुझे कुछ सवाल पूछना है। वो इसलिए क्योंकि लखमा कवासी जब मंत्री बनने के बाद पूरा सुकमा जिला का दौरा किए, बस्तर जिला का दौरा खुशियाँ मनाए, जब पटेल जाके उनको बोला कि हमारे लड़कों को बेजी ताना में रखा गया है एक महीना से और कुछ एक लड़के को डेढ़ महीना से, लेकिन लखमा कवासी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर मंत्री बनने के बाद क्या जनता को भूल गए क्या? तो इनको लेके मैं जरूर रायपुर जाऊंगी और उनके मतलब जाके उनसे बात करूंगी। और तीसरी बात मेरा यह है कि माओस्ट से भी मेरी एक अपील है, अगर माओस्ट अगर कोई प्रचार रखते हैं तो क्या इस तरह करने की हरकत क्यों की? और ये बताइए अगर उस जगह पे आज तो देवा उस बम विस्फोट में लपट गया, जो बहुत दुखी की बात है, और बोले पुलिस ने भेजा हो, मैं मानती हूँ ये पुलिस की गलती है, लेकिन अगर उस जगह आम घर में और भी लोग जाते, पत्रकार भाई भी जाता और कोई और भी जाग उठाते तो बम विस्फोट होता। तो मेरा पूछना ये है माओस्ट से, ये पर्चे क्या सिर्फ रोड तक सीमेंट के रखने के लिए डाला जाता है कि ये कवर बनने के लिए? अगर कवर बनने के लिए डाला जाता है तो इस तरह की क्यों किया जाता है जिससे कि उन पर्चों को बिलते ही विस्फोट होने का? इसमें कई सभी लोगों के लिए खतरे की बात है, तो इसमें तो फिर उनकी कवर निकल ही नहीं पाएगी कि वो क्या चाहते हैं, तो इसका मतलब है उनके कवर को निकालना ही नहीं है तो पर्चा डालना ही नहीं चाहिए। बस मैं ये इतना मेरा अपील है माओस्ट से कि ये गलत है, अगर पर्चे के साथ बम या किसी तरह का इस तरह डाला जाए और उसमें विस्फोट होना, ये गलत है।